नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मनगवा तिवनी मोड़ पर 14.56 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह स्थान जिले का सर्वाधिक दुर्घटना होने वाला स्थल है, जहाँ अनेक दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं में अनेकों लोग काल कवलित हुए। इस ओवर ब्रिज के बन जाने से यह स्थल पूरी तरह से आवागमन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल हाईवे में ओवर ब्रिज को केंद्र सरकार से स्वीकृत दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इसकी स्वीकृत मिल गई है। उन्होंने स्वीकृत देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया तथा कहा कि मनगवा वासियों की तरफ से गडकरी को धन्यवाद प्रस्ताव भी प्रेषित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि सर्विस रोड एंड ओवर ब्रिज का गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर निर्माण कार्य करते हुए प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। श्री गौतम ने कहा कि कस्बों से बाईपास निकला है, उन कस्बों के अंदर की 8 सड़कों का वन टाइम योजना के तहत 83 करोड़ रुपए केंद्र शासन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिनका शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनगवा क्षेत्र व कस्बे के विकास के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहूंगा और यहाँ के विकास एवं जन कल्याण के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। उन्होंने मलकपुर तालाब के सौंदर्यीकरण की बात भी कही। विधानसभा अध्यक्ष ने SDM एवं तहसीलदार को समक्ष में बुलाकर मनगवा सब्जी मंडी पोखरी एवं खटखरा तालाब की शासकीय भूमि की नाप करा कर विधानसभा सत्र से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। काफी जोर लगाया है, छोटे छोटे स्तर पर अपना प्रयास करते रहे। बाद में इसका प्रयास ये हुआ कि चूंकि यहाँ से स्टेट से हो नहीं सकता, प्रदेश से नहीं हो सकता, तो ये केंद्र सरकार के माध्यम से ही हो सकता है। तब हम लोगों ने वहां जोर लगाया और उसी का परिणाम निकला कि आज हम सब मिलकर के यहाँ आए हैं और ये ब्रिज का भूमि पूजन किया, जिसको 9 माह में पूरा करना है। और हम समझते हैं कि ये भूमि का पूजन होने के बाद ये जब निर्माण हो जाएगा, जो हमारे सामने खतरा था वो पूरी तरह से टल जाएगा। ऐसे इसीलिए मैंने इसको ऐतिहासिक क्षण कहा है और ये 9 महीने के भीतर पूरा होगा। हम 9 महीने का इसका टाइम हमने दे के रखा है और ठेकेदार साहब से भी आग्रह करते हैं कि इसको इतना तीव्र गति से काम करो। 9 महीना हमने सरकारी समय दिया है, आप इसे उससे कम समय में ही पूरा कर दो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, जिससे फिर आपका नागरिक अभिनंदन हो सके, ऐसा काम करने की आवश्यकता है। बाकी जो असुविधा हो, कोई बात में बाधा हो, वो हमको बताइए, हम सब मिलकर के उसको दूर करेंगे। मुख्यमंत्री जी आपके मनगवा क्षेत्र में कहीं भी आ जाए, न केवल लालगांव, बढ़ा जाए, मनगवा आ जाए, आप कहीं बुलाइए उनको, आप आमंत्रण कीजिए, प्रयास मैं करूंगा लेके आ रहे हैं। आप बुलाइए और फिर वहीं पर मांगिए और जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। लालगांव का सीट चाहते वो मिलेगी, मलकपुर का संसदीकरण हो जाए, जितना पैसा लगेगा वो तत्काल मंजूर करेंगे और उनकी घोषणा के बाद काम रुकता नहीं, सारे काम चालू हो जाते हैं। और अभी तो कल ही मुझे PS राजस्व ने टेलीफोन किया था कि साहब वो जो आपने देवतलाब तहसील से कहा था वो सैंक्शन हो गई है, कैबिनेट के दस्तखत हो जाए, अगले महीने आप उसका उद्घाटन कर दिए, तहसील देवतलाब बनने जा रहा है। इसको हमने दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र या ब्लैक स्पॉट घोषित किया था, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इसको ब्लैक स्पॉट घोषित कराने में ही, पूरा पुलिस की भूमिका, जिला प्रशासन की भूमिका, सब ने सारे रिकॉर्ड इकट्ठा किया, सब चीज़ें दिया, तब जा कर के मेन किसी को इसका आभार व्यक्त करना है तो हमें नितिन गडकरी जी का करना चाहिए कि मेरे व्यक्तिगत कहने पर और मेरे आग्रह पर उन्होंने तत्काल इसकी स्वीकृति प्रदान की और उन्होंने कहा भी कि ये चूँकि स्पीकर ने कहा है ये काम, इसलिए इसको करना है और उन्होंने ये दिया, इसलिए सबसे बड़ा आभार उन्हीं को जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बनने के बाद जो हमारे सामने संकट था एक्सीडेंट का, दुर्घटना, वो पूरी तरह से बंद हो जाए। नजरा पुल का ये 15 या 20 दिन में फिर उसका भूमि पूजन करने जा रहा हूँ और अंदर वाली जो सड़क आपकी मनगवा बस स्टैंड की बनने जा रही है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अंदर की सड़क को भी लिया है, जो आबी मोड़ से जहाँ से आपका ओवर ब्रिज है उससे लेकर के जरहा पुल तक जाएगी, और उसी में पुल का निर्माण अलग से ले लिया है, तो एक सड़क वो भी आपको सीधी मिल जाएगी, मलकपुर तालाब को भी सौंदर्यीकरण करा सके हम, कितना सुंदर बना सकते हैं वो तो कितनी राशि हमको मिलती है, अभी 2.5 करोड़ का बता रहे हैं, इसी सत्र में अपन देखते हैं कुछ और मिल जाए तो उसको बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे।